अडानी मामले को लेकर आज संसद के दोनों सदनों में भारी बवाल देखने को मिला, जिसके बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई को स्थगित करनी पड़ी। विपक्ष की ओर से अडानी मुद्दे पर जेपीसी की अंग की जा रही है। संयुक्त संसदीय समिति या सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में अडानी समूह के मामले की जांच की मांग की गई। इसको लेकर विपक्षी सांसद सदन परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने ही विरोध में इकट्ठा हो गए, तो वहीं कांग्रेस ने 6 फरवरी को देशव्यापी आंदोलन का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मांग कर चुके हैं कि LIC SBI सहित अन्य सरकारी संस्थानों में जो लोगों का पैसा है उसकी जांच होनी चाहिए और इसकी प्रतिदिन रिपोर्ट जनता के सामने रखी जाए। इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने 6 फरवरी को LIC और SBI दफ्तरों के सामने देश भर के जिलों में आंदोलन का ऐलान किया है, जिसका असर अभी से ही देखने को मिल रहा है। बता दें आपको कि अडानी मामले को लेकर आज संसद के दोनों सदनों में बवाल देखने को मिला, जिसके बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई को स्थगित करनी पड़ी। विपक्षी की ओर से अडानी मुद्दे पर जेपीसी की अंग की जा रही है। संयुक्त संसदीय समिति या सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में अडानी समूह के मामले की जांच की मांग की गई। इसको लेकर विपक्षी सांसद सदन परिसर में ही गांधी प्रतिमा के सामने विरोध में इकट्ठा हो गए और नारेबाजी करते दिखे, जो कि आप तस्वीरों में भी देख पा रहे होंगे। तो वहीं कांग्रेस ने 6 फरवरी को यानी कि आज आंदोलन का ऐलान किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मांग कर चुके हैं कि LIC SBI सहित अन्य सरकारी संस्थानों में जो लोगों का पैसा है उसकी जांच होनी चाहिए और इसकी प्रतिदिन रिपोर्ट जनता के सामने रखी जाए। इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने आज ये आंदोलन छेड़ा है। LIC और SBI दफ्तरों के सामने देश भर के जिलों में आंदोलन का ऐलान जो किया गया, जिसका असर अब बड़े पैमाने पर देखने को मिल रहा है।